नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने अलग अंदाज और अलग काम के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं, उसको लेकर के अक्सर वो बयान देते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जब वो एक्सप्रेसवे पे चल करके चाय पी रहे थे ताकि देख सके कि कहीं जर्क तो नहीं लग रहा है। और अब वो एक नए कानून की बात कर रहे हैं जिसमें एक क्लिक से आप 500 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, कह रहे हैं कि सड़कों पे जो गलत तरीके से गाड़ी खड़ी होती है उसका फ़ोटो खींच करके भेजिए, जो भी भेजेगा उसे 500 रुपये मिलेंगे और जो गाड़ी ऐसे खड़ा करेगा उससे 1000 रुपये जुर्माने के तौर पे वसूले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार जो है नया कानून लाने पे विचार कर रही है। अब ज़रा सोचिए, यदि ये कानून आया तो लोगों की क्या स्थिति होगी? आपको पता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे महानगरों में सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी होती है। आप किसी भी शहर का एग्जांपल उठा करके देख लीजिए, इवन जो कॉलोनियाँ बस्ती है वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल और बड़े मकानों को छोड़ करके जो नगर निगम की स्थानीय सड़कें होती है उस पर ही लोग गाड़ी खड़ी करते हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो सड़क पर गाड़ी खड़ी करेगा उससे गाड़ी उठा ली जाएगी या जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन अब नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में बाकायदे ये बात कही है और साथ में ये भी तंज किया है कि दिल्ली में लोग सड़कों पर ऐसी गाड़ी खड़ी करते हैं जैसे कि मानो सड़कें गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए ही बनी है। आगे वो फिर उन्होंने जोड़ा कि 6-4 आदमी का परिवार है, 6-6 गाड़ियाँ हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनके रसोई के पास भी 2 सेकेंड हैंड गाड़ी है। सोचिए कि इतनी गाड़ियाँ हैं कहाँ खड़ी होंगी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि गाड़ी की संख्या कम कीजिए, घर में पार्किंग बनाइए, तब जाके गाड़ी लीजिए। इस पर कई बार बहस हो चुकी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या केंद्र सरकार ऐसा कानून ले आती है या सिर्फ गडकरी ने अभी ये बात बोली है। इसमें वक्त लगेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।